आज का जो व्लॉग है हम जा रहे हैं अपने गांव के जंगल में। तो गाइस मेरी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब है, मेरी जो वॉइस है वो भी अजीब सी आ रही होगी, मेरी नाक बंद है क्योंकि मैंने यहाँ बहुत नहा लिया है, यहाँ की नदी में मैंने बहुत नहाया है इसलिए मेरी नाक भी बंद है। तो अभी हम जा रहे हैं पूरे जंगल में, वहाँ चारों तरफ चीड़ के पेड़ ही पेड़ हैं, उनसे पीरू निकलता है, अभी आपको दिखाऊँगा अगर रेड रेड सा। तो चलिए गाइस अभी हम जा रहे हैं जंगल की तरफ। आप मौसम देख सकते हो कितना ख़तरनाक हो रहा है, बादल इतनी नीचे तक, बादल जो कोहरा जो भी है इतनी नीचे तक आ गए हैं, बारिश हो सकती किसी भी टाइम, हम छाता लेके गए ना कुछ लेके गए, क्योंकि गाइस हम कुछ भी हो सकता है, व्लॉग पूरा हो या ना हो ये तो मुझे पता नहीं, इसकी गारंटी मुझे नहीं सकता क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। आप देख सकते हो पीछे बादल वादल कोहरा जो भी दिख रहा होगा आपको, तो फिर भी हम जा रहे हैं गाइस, आप ही के लिए जा रहे हैं आपको दिखाना, और पीछे साथ में अपने गाय बैल भी लेके जा रहे हैं हम, आप देख सकते हो। तो गाइस चलते हैं ऊपर की तरफ और आपको दिखाते हैं अपने गांव का जंगल। ओके अभी हम पहुंच गए हैं, मतलब लगभग अभी हम पहुंच गए, पहुंचने वाले हैं, पीछे मौसम फिर से देख सकते हो। और ये मेरी गाय है, ये उसकी बछड़ा है पीछे, और हम जा रहे हैं ऊपर को, रास्ता भी बहुत ख़राब है पीछे झाड़ी झाड़ी। तो गाइस चलते हैं, हम पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी देर के बाद। ओके चलिए आपको दिखाते हैं कैसे है हमारा जंगल। तो सो गाइस हम चलते हैं, अभी हम जा रहे हैं। तो आप पीछे मौसम देख सकते हो कितना ख़तरनाक और भी ख़तरनाक हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं, तो सो गाइस चलते हैं अभी, और रास्ता भी देख सकते हो कितना छोटा है, तो फिर भी हम जाएंगे इस कोहरे में, आप ही के लिए जाएंगे और आप ही के लिए ब्लॉग बनाएंगे। तो गाइस एंड तक बने रहे, बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें क्योंकि आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। चलो चलते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं, आप सामने का सीन देख सकते हो कितना मस्त नज़ारा है, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल ब्यूटीफुल सीन आ रहा है, और सामने नीचे नदी भी है, हल्का फुल्का पानी आ रहा है, और कुछ लोग आगे पहुंच गए, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं ताकि पीछे से सब कुछ रिकॉर्ड कर सकूं। तो गाइस चलते। सो गाइस अभी हम पहुंच गए अपने जंगल में, इस जंगल का नाम है छिड़। तो गाइस यहाँ ये देखिए बहुत घना जंगल है, और ये पीछे पीछे जा रहे हैं कुछ लोग, मेरे को देख के हंस रहे हैं, मेरे को भी हंसी आ रही है बहुत उनको देख के। और गाइस पीछे का सीन देख सकते हैं, बहुत ही घना जंगल है, यहाँ पे बाघ चीते भालू सब घूमते हैं। हम जा रहे हैं गाइस अभी और ऊपर को, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं अपने गांव का जंगल। गाइस अभी मैं आया हूँ, यहाँ बहुत ही घना जंगल है, घने जंगल में हम आए हैं लकड़ी लेने। गाइस हम काट के नहीं ले जाएंगे लकड़ी, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश हुई है कल नहीं मतलब बहुत पहले हुई है, तो उस वजह से यहाँ अभी पेड़ गिर रखा है, तो उसे काट के घर लेके आना है यहाँ, जिस समय मैं यहाँ हूँ वो। ये बहुत ही गहरा जंगल है, और पीछे आप देख सकते हो मेरे दादाजी भी आ रहे हैं ये रे। तो कैसे अभी हम जा रहे हैं ऊपर, बहुत ही घना जंगल है, बहुत ही घना जंगल भाई, बहुत ही घना, काश हमें कोई वाइल्ड एनिमल देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ताकि हम उसे कैमरे में कैप्चर कर सकें। आई होप गाइस दिखना चाहिए। गाइस आप देख सकते हो सामने भी एक पेड़ गिरा हुआ है, और कुछ लोग नीचे गाय बैलों को लेकर जंगल की तरफ जा रहे हैं, और ये नीचे मेरे दादाजी आ रहे हैं, तो इनके साथ में आए हूँ ऊपर लकड़ी लेने के लिए। ये नीचे कुछ बैठे हुए दिख रहे होंगे आपको। तो गाइस ये देख सकते हो जंगल कितना घना है, ये आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए गाइस जंगल कितना घना है, यहाँ चारों तरफ चीड़ के पेड़ पेड़ हैं देख सकते हैं आप, और ये लाल लाल से गिरा मैं फिर बता रहा हूँ आपको, रेड रेड सा ये है पीरू, गाय वाले भी नीचे बिछाने काम आता है। और आप जंगल देख सकते हो, सामने भी पहाड़ी पहाड़, और ये सामने बादल देख सकते हो, आज मौसम बहुत ख़तरनाक हो रहा है भाई, बता रहा हूँ आपको पहले। भाई साहब देख सकते हैं कितना घना जंगल है, और ये देखिए कितना घना जंगल है, चारों तरफ चीड़ के पेड़ ही पेड़ दिख रहे होंगे आपको। गाइस बहुत ही घना जंगल है, देखिए चारों तरफ चीड़ के पेड़ पेड़ दिख रहे होंगे आपको, और ये चारों तरफ पीरू गिरा हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया था। और गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो वॉइस में जो आपको अजीब सी लग रही होगी उसके लिए सॉरी भाई लोगों, फिर से कहता हूँ वंस अगेन। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं, तो वो पेड़ अभी थोड़ी दूर है, तो आपको दिखाता हूँ वहाँ जा कर उसे काटता हूँ, और मेरे दादाजी पीछे। तो गाइस चलिए चलते हैं, आपको अपना जंगल दिखाता हूँ गांव का कितना ख़तरनाक है। गाइस मैं अभी पहली या दूसरी बार ही आ रहा हूँ यहाँ पे, दूसरी बार शायद, इससे पहले कभी नहीं आया था, आज आया हूँ, बट ये देखिए अभी हमने लकड़ी काट दी है, और अभी हम यहाँ से इनको नीचे गिरा रहे हैं सीधे नीचे रास्ते में, फिर वहाँ से लेके जाएंगे। और ये चंदन सिंह बिस्ट और नहीं कर रहे हैं, हम जा रहे हैं अब नीचे को, देख सकते हो आप इनको नीचे को गिरा रहे हैं हम, ये सब नीचे ही गिरेंगे अभी रास्ते में,
तो हम चलते नीचे को। हमने काट दी हैं लकड़ियां, अभी हम जा रहे हैं घर को। ये देखिए, ये ऊपर मेरे दादाजी खाली हाथ आ रहे हैं क्योंकि इनको भारी होता है, और चंदन सिंह बिश्ने इधर उधर गिरा दिया उल्टी दिशा में, अब वो लेके आए। चलते हैं नीचे को गाइस, मैं अभी घर को, चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं रास्ता कितना छोटा है, और अगर पैर फिसलो सीधे नीचे, नीचे से सीधा ऊपर, रास्ता कितना छोटा देख सकते हैं आप। लकड़ी काट ली और अभी हम जा रहे हैं घर को। ये बहुत भारी हो रहा है, आप देख सकते हो। ये पीछे भी आ रहे हैं कुछ लड़के, दिख रहे हैं आपको? ये देखिए, ये बहुत भारी हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं अपने घर को, देख सकते हो आप। ये जा रहे हैं अपने घर को, बहुत भारी हो रहा है गाइस, क्योंकि गीले हो रखे हैं, ये बारिश पड़ी थी इस वजह से। तो अब चलते हम रास्ते में पहुंच गए हैं, और ये पीछे देख सकते हो लकड़ी मैंने अपने पीछे रख दी है। और ये पीछे स्कूल दिख रहा होगा आपको, बच्चे प्रेयर कर रहे हैं। अभी आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। सामने स्कूल दिख रहा है आपको, वहाँ अभी प्रेयर हो रही है। सामने स्कूल है, ये आप देख सकते हो, यहाँ प्रेयर हो रही है। सुनिए जरा, ये देखिए, गाइस अभी हम पहुंच गए अपने घर, और इधर ये पीछे रख दिया है मैंने अपना। गाइस बहुत भारी हो रहा था ये, हम ला रहे हैं इसे 2-3 किलोमीटर दूर से, बहुत भारी हो रहा था। और जो मेरे साथ के बंदे थे वो आगे चले गए, क्योंकि उन्होंने घर को जाना, मैंने यहाँ रख दिया है, ताकि घास का जो लूट लगा, तो जो घास का टीला लगाते हैं ऊपर को, टीला जैसा, वो उसके लिए मैंने इसे यहाँ रख दिया है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने घर को, मैं जा रहा हूँ अपने घर को अभी। ओके, तो गाइस अभी हम पहुँच गए अपने घर, और आप देख सकते हो मेरे दादाजी पीछे, और ये हमारी भैंस है पीछे। गाइस आजकल मैं गाँव में, बताऊँ, प्योर दूध पी रहा हूँ। मैं आजकल गांव में प्योर दूध पी रहा हूँ, और दूध दही दबा के खा रहा हूँ। गाइस प्योर दूध कहाँ मिलता है आज की डेट में? तो गाइस गांव आके मिलता है, बता दूँ आपको। हम पहुँच गए अपने घर, ये है मेरा घर, और ये पीछे करेले का पेड़, इस पर भी करेले हो रहे हैं छोटे छोटे। तो गाइस आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो गाइस लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, और जो मेन है भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में बेल आइकॉन होगा उसे भी प्रेस कीजिए, मंदिर का घंटा उसे भी दबाओ। मैं बता दूं गाइस, कुछ लोग सोचते हैं सब्सक्राइब करने में पैसे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, भाई व्लॉग्स बनाएगा, आपको सपोर्ट करना है भाई को, और जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाना है, और लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से भी मुझे बहुत मोटिवेट होता हूँ, आपके एक लाइक से भी। तो गाइस लाइक जरूर कीजिए, कॉमेंट्स में बताइए कि आपको कैसे लगा व्लॉग, मैं और भी गाँव के व्लॉग ऐसी बनाऊँ, तो गाइस मुझे बताइए। ओके, तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।